दोस्तों, क्रिकेट खेलना बहुत से लोगों को पसंद होता है और ये एक ऐसा खेल है जो भारत में बेहद लोकप्रिय है। केवल यही नहीं बल्कि लोग हर काम छोड़कर टीवी के आगे चिपक जाते हैं जैसे ही क्रिकेट शुरू होने वाला होता है। वैसे आप सभी ने देखा होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हर ओवर में सिर्फ 6 बॉल होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट के खेल में हर ओवर में सिर्फ 6 बॉल ही क्यों फेंकी जाती है, 4, 5 या फिर 7 क्यों नहीं? दोस्तों, आपने सोचा भी होगा लेकिन आपको शायद इसका जवाब नहीं पता होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब आज की वीडियो में हम देने वाले हैं, तो इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। दोस्तों, क्रिकेट में साल 1889 तक एक ओवर में 6 नहीं लेकिन 4 बॉल फेंकी जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि न तो बॉलर को अच्छी लय मिल पाती थी और ना ही बैट्समैन को बॉलर को समझने का मौका मिलता था। इसी के चलते क्रिकेट काफ़ी आनंदमय होता था और उस समय बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनता था और दर्शक 20 तरह के मैच को देखकर बोर हो जाते थे। ऐसा होने से साल 1889 से क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए गए और उसके बाद एक ओवर में गेंदों की संख्या बढ़ाकर 4 से 5 कर दी गई। ये होने के बाद भी मज़ा नहीं आ रहा था, इसी के चलते साल 1900 में एक ओवर में 6 बॉल फेंकने का नियम बना। लेकिन इस बीच कुछ देशों ने एक ओवर में 8 बॉल फेंकने का नियम भी बना लिया था और ये सब देखते हुए कई देशों में 2 साल के लिए एक ओवर में 8 बॉल का एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन ये भी साल भर ही चल पाया। उसके बाद ICC के नियमों ने लंबे समय तक 6 और 8 बॉल फेंकने की सुविधा दी। हालांकि देखते ही देखते एक ओवर में 6 बॉल फेंकने का नियम स्थायी हो गया है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिकेट के खेल में एक ओवर में 6 बॉल ही क्यों फेंकी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।